नमस्कार दोस्तों, कुक विद राजीव में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों एक सिंपल एक छोटा सा रेसिपी लेके आप लोगों के सामने आया है। रेसिपी का नाम है मशरूम विद चना का दाल। दोनों मिक्स करके एक रेसिपी बनाया है, आप लोग देखिए। आपको देखिए, अगर अच्छा लगे लाइक्स शेयर्स कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों ये मशरूम है, मशरूम को अच्छे से मैं काट लेता हूँ बारीक बारीक करके। मशरूम को काट के दोस्तों उसको पानी में भिगो के रखा है। मशरूम विद चना का दाल आज का रेसिपी होगा। फिर पटाटा काटे, इसको थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों मशरूम विद चना का दाल में पटाटो भी देंगे। पटाटो भी मैं थोड़ा छोटा छोटा पीस करके मैंने काट लिया, काट के पानी के अंदर रखा है। पटाटो कभी भी पानी के अंदर, काट के पानी के अंदर ही रखने का थोड़ा टाइम के लिए, तो उसमें शुगर वगैरह सब निकल जाते हैं दोस्तों। मैं भिगा के रखा है, एक एक करके अरेंज कर रहा हूँ मैं। दोस्तों चना का दाल को थोड़ा सा स्टीम कर लिया, थोड़ा सा नरम कर लिया, क्योंकि मशरूम विद चना का दाल जो है, थोड़ा सा दाल को बॉईल कर लिया। उसका बाद में एक एक करके इंग्रेडिएंट्स में डालते जाएंगे। आप लोग देखिए पूरा वीडियो। दोस्तों कढ़ाई गर्म हो चुका है, मैं अभी उसमें ऑयल दे देता हूँ पोटैटो फ्राई करने के लिए। थोड़ा सा ऑयल दे देता हूँ पराठा फ्राई के लिए। दोस्तों अभी मैं इसमें पोटैटो दे देता हूँ। पोटैटो को थोड़ा सा हल्का सा लाल कर लेता हूँ। पोटैटो लाल हो गया है, अभी मैं इसको ले लेता हूँ प्लेट में। अभी इसमें मैं अक्खा गरम मसाला दे देता हूँ। तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, इलाच, सब अक्खा ये दे देता हूँ दोस्तों। दोस्तों आज का रेसिपी प्योर वेज है, क्योंकि इसमें मैं ना ऑनियन यूज कर रहा हूँ ना गार्लिक यूज कर रहा हूँ। दोनों में से कोई भी चीज मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। इसमें प्योर वेज है। अभी दे देता हूँ जीरा। जीरा दे दिया दोस्तों। अभी दे देता हूँ हींग, वन स्पून हींग देता हूँ, क्योंकि चना के लिए हींग बहुत जरूरी है दोस्तों, नहीं तो क्या है एसिडिटी हो जाएगा। उसलिए हींग दे दिया मैंने। अभी दे देता हूँ दोस्तों टमाटर दे देता हूँ। अभी मैं इसमें अदरक दे देता हूँ। क्योंकि दोस्तों प्योर भेज है। अदरक का बाद अभी मैं चिली पाउडर दे देता हूँ वन स्पून। फिर हल्दी पाउडर दे देता हूँ हाफ स्पून। फिर जीरा पाउडर दे देता हूँ वन स्पून। फिर धनिया पाउडर दे देता हूँ। अभी देता हूँ दोस्तों गरम मसाला। गरम मसाला दे दिया। फिर उसके साथ में दोस्तों स्वाद अनुसार नमक दे देता हूँ वन एंड टू स्पून। सॉल्ट दे दिया। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। दोस्तों इसमें और एक चीज़ मैं हमेशा यूज़ करता हूँ स्वाद बैलेंस के लिए, आप लोगों को शायद पता होगा, शुगर। इसमें वन स्पून शुगर दे देता हूँ। अभी इसको अच्छे से थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेता हूँ। फिर मैं दे देंगे अभी इसमें पोटैटो। अभी मैं पोटैटो दे देता हूँ।
वे पोटैटो भी अच्छे से मसाला के साथ में मिक्स कर देता हूँ। अभी मैं इसमें मशरूम दे देता हूँ, मशरूम दे देता हूँ, बहुत टेस्टी है दोस्तों। फिर अच्छे से बनाया जाए तो फिर नॉनवेज फेल है इसके सामने। इसको अच्छे से कर लेता हूँ मिक्स करके। अभी मैं दोस्तों इसमें चना का दाल दे देता हूँ। चना का दाल है ना दोस्तों, बिल्कुल नया रेसिपी आप लोगों के सामने। एक एक नया नया रेसिपी मैं लेके आएंगे दोस्तों। आप खाली मेरे को सब्सक्राइब करके मेरे को इंकरेज कीजिए और मैं आप लोगों के सामने नया नया डिश लेके आएंगे। डिश का खजाना है दोस्तों मेरे पास। अभी इसको मैं अच्छा से मिक्स कर लेता हूँ दोस्तों, इसको अच्छा से मिक्स कर लेता हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक देता हूँ अच्छा से 10 मिनट्स के लिए। दोस्तों ये रोटी के साथ में खाने के लिए सबसे बेस्ट है दोस्तों। मैं अभी इसको थोड़ा सा लेके मैं जस्ट चख के देखता हूँ, टेस्ट करके देखता हूँ कैसे लगता है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया, आप नहीं खाएंगे तो इमेजिन नहीं कर सकते कितना टेस्ट हुआ है। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अभी मैं खोल के देखता हूँ, अपना तो परफेक्शन बराबर है। वाह बहुत बढ़िया खुशबू आ रहा है दोस्तों, प्योर भेज है विदाउट कंदा लहसुन का। अभी मैं उसको अच्छा से चेक करके देखेंगे 1 स्पून कैसे रहा। जस्ट मिनट दोस्तों।